नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आपकी दोस्त और होस्ट। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो का नाम है त्याग। त्याग करना होगा किसी चीज का, जीवन में से बुरे विचारों का त्याग, दोस्त से दुश्मनी के ख्याल का त्याग, बहुत ज्यादा धन पाने का और उस धन को पाने के गलत तरीकों को पाने का त्याग। आपकी जिंदगी में बहुत सारी गंदी हैबिट्स हो सकती हैं, उनका त्याग। गुस्सा बहुत ज्यादा हो सकता है, उनका त्याग। किसी से नाराज हो सकते हैं, उसका त्याग। त्याग, त्याग शब्द भगवान को बहुत पसंद है। नवरात्रों में हमुमन हर कोई व्रत रखता है, फिर फलहार करता है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि इस नवरात्रे आप व्रत रखें या ना रखें, एकादशी का व्रत आप रखें ना रखें, आप बसंत पंचमी का व्रत रखें ना रखें, लेकिन प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप त्याग की भावना, लेकिन क्योंकि राजा शनि है तो सबको सबके कर्मों का फल देंगे। अच्छे कर्म करें तो अच्छा भी होगा, बुरा करा है तो बुरा भी होगा। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। इस नवरात्रे में त्याग कीजिए, या तो 9 दिन चप्पल मत पहनिए, या 9 दिन नमक छोड़ दीजिए, या 9 दिन चीनी छोड़ दीजिए, या 9 दिन के लिए शीशा छोड़ दीजिए। जी हाँ, शीशा भी छोड़ा जा सकता है। आपको पता है शीशा छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक मिनट बाद हम बिंदी लगाने के लिए, लिपस्टिक लगाने के लिए, या कपड़े पहनने के बाद सही लग रहे हैं, बाल राइट है कि लेफ्ट है, ये देखने की हमें आदत हो जाती है। क्या आप त्याग कर पाएंगी? बहुत बड़ा त्याग है महिलाओं के लिए शीशा छोड़ देना, ब्रह्मचर्या का पालन करना और अपने रोमांटिक मूड को हफ्ते भर 9 दिन के लिए छोड़ देना। कोई भी एक चीज त्याग कीजिए और ये प्रण लीजिए प्रभु के आगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर में सुख शांति का माहौल रखें, सबका भला हो। मेरे कह रही हूं मेरे पड़ोसी का भी बहुत भला हो, लेकिन शुरुआत मुझसे हो। मेरे से अगर किसी के प्रति कोई गलती हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा करना, मान सम्मान हमेशा बनाए रखना, धन जितना चाहिए उतना प्राप्त होता रहे, धन एक बार कम हो जाए लेकिन संसार में गई हुई एक बार इज्जत वापस लौट कर नहीं आती, तो प्रभु मेरी इज्जत को बनाए रखना। बाकी खुश तो हम किसी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि लोग तो भगवान से भी परेशान है, इंसान को खुश कहां रख सके। कई लोग आपसे इसलिए परेशान है क्योंकि वो आपकी तरह कामयाब नहीं है, तो कई लोग आपसे इसलिए परेशान है कि आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों, तो कई लोग इसलिए परेशान है कि आप उनसे बात क्यों नहीं करते, और कई लोग इसलिए परेशान है कि उन्हें आपसे बात करनी ही नहीं है। बाप रे बाप। और कुछ महिलाएं तो ऐसी, वो किसी भी तरह से परेशान ना हो तो वो परेशानी को खुद इन्विटेशन ही देती है, आओ आओ आ बैल मुझे मार। तो इस बार अपने मन से मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूं, जैसे बालों में कंघा ना करना एक त्याग, शीशा ना देखना दूसरा, 1 हफ्ता 10 दिन 9 दिन चप्पल ना पहनना एक त्याग, नमक ना खाना, चीनी नहीं खाना, लेकिन अपनी डॉक्टर की सलाह ले।